आप जैन समाज के साधुओं की तरफ देखिए, जैन समाज के साधु महात्मा जो हमारी साधनी है उनकी तरफ देखिए। चौहान साहब दो दो महीने खाना नहीं खाते हैं वो, एक 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 महीना पानी का एक एक गिलास पीते हैं वो, और बॉम्बे से चलते हैं पटना और चलते हैं जोधपुर से सागर जी महाराज, सागर जी महाराज जोधपुर से पटना पैदल यात्रा है, पैदल यात्रा करते हैं और अपने जो सिर के वाल भी है ना साधवियां वो खींच खींच के करती है। किस लिए? अपने लिए। उनके पीछे कौन है, उनके पीछे क्या है? भगवान महावीर मानवता की रक्षा, तो ये भी तो मानवता की रक्षा है। अगर वो हमारे लिए अपने पेट में खाना नहीं पहुंचाते, वो पानी नहीं पीते, वो तप करते हैं, किसके लिए करते हैं? समाज के लिए, मानवता के लिए। तो हम उनसे कुछ सीख लें, हम जैन समाज से कुछ सीख लें, आज उनके इतिहास को पढ़ लें कि जैन समाज की जो एक मानवता के लिए जो सारा सारा महीना दो दो महीने पानी नहीं पीना खाना नहीं खाना, हम उनसे सीख लें। पैदल नंगे पांव चलते हैं, अगर तो उनके पीछे कोई उनका परिवार है, वो तो करोड़ों अरबों पति होते हैं और परिवारों को निकल करके छोटी छोटी बेटियां साधु बन जाती हैं और साधु बन जाते हैं। हम उनसे सीख लें, हम लाल बहादुर शास्त्री जी से सीख लें। आपको पता होगा जब जंग थी, जब देश में हमारे बिल्कुल पैसा नहीं था, हमारे देश में अन्न नहीं था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था? एक दिन का खाना। तो लोग अभी भी, आप जैसे लोग अभी भी उसके ऊपर चलते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो यही कहा ना कि आप सिर्फ घर में रहिए, कुछ मत कीजिए, मुझे आपकी फिक्र है, मैं आपके परिवार का हूँ, आप मेरे परिवार के हैं, यही कहा। तो क्या हम उसको पूरा नहीं कर सकते? बिल्कुल।